मुफ्ती पीछे चल रही हैं, हालांकि उनको लेकर थोड़ा सा अपडेट अभी आना बाकी है, लेकिन अभी तक की लास्ट अपडेट के हिसाब से वो पीछे चल रही थी। जॉनी रडवाल साहब के पास मैं जाना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले अबू साहब अपनी बात को आप पूरा कर लेंगे। पहलवानों का जो आंदोलन हुआ था उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप है, बोल रहा है कांग्रेस का, कहां से लाते हैं ये बुजुर्ग लोग, इतना झूठ बोलता है चैलेंज में बैठ के, कहां से ये सब झूठा लोगों को लाते हैं। अरे अबू साहब, पहले आप ये सुनिए कि मैंने कहा क्या है, एक मिनट पहले पूरी बात सुनिए। मैंने कहा यदि बुनेश फोगाट को बोला कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया, तो ये नैरेटिव नहीं बनता है। ऐसा झूठ मत बोलिए साहब, पहले बात तो सुनिए, सब झूठा कहिए। अरे आप झूठे हैं, उमर का लिहाज करो, दूसरा मुद्दा लेके जाते, दूसरे राज्य में दूसरा मुद्दा लेके जाते, पहले आप कमल के पास करिए। ठीक है, इस तरीके से नहीं अबू साहब, अबू साहब इस तरीके से नहीं अबू साहब, आप लोगों की एकदम बॉडी लैंग्वेज, वर्ड लैंग्वेज क्यों बदल जाती है अबू साहब? ये तरीका ठीक नहीं है अबू साहब, ये तरीका ठीक नहीं है अबू साहब, ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तरीका ठीक नहीं है। राकेश शुक्ला जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, एंड सॉरी आई वोंट अलाउ यू टू डू दिस, यही एरोगेंस है जिसने कांग्रेस को हरा दिया। आपको इस तरीके से नहीं, पूर्णिमा जी ये एरोगेंस है, इसी एरोगेंस की वजह से कांग्रेस हार रही है। आप लोगों को सर समझ में नहीं आता, यही एरोगेंस है आप लोगों को, ये कांग्रेस की एरोगेंस है। अबू साहब मुझे ये बताइए कि आप कांग्रेस की एरोगेंस है। मनीष जी एक सेकंड, मनीष जी एक सेकंड, अबू साहब एक बात बताइए, आप लोग इससे ऊपर कब उठेंगे कि आप लोगों को वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकार आपको सब लोग लगते हैं बीजेपी के एजेंट, आप लोग सर इससे कब उठेंगे ऊपर? लेकिन आप सच्चाई को तो रखो। अरे सामने आपका क्या, आप सामने वाले व्यक्ति को जानते हैं क्या? आप सब कुछ भी बोलते हैं, एक बड़ी, प्लीज सर, हमेशा नहीं चलता है, एक बड़ी पत्रों और आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अभी तक जब तक आपसे अच्छी अच्छी बातें की जा रही थी क्योंकि आप लोग लीड पर थे तो आप लोग खुश थे, अब आप पिछड़ गए, आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आपको समस्या हो गई है। हम अरे नंबर्स में रिफ्लेक्ट करवाइए ना सर, टीवी डिबेट्स पर बोलने से ज्यादा, पीछे से क्या मतलब, नंबर्स पर रिफ्लेक्ट करवाइए ना टीवी डिबेट में, इतना बोलने से बेहतर आपका चैनल। अरे सर प्लीज, सुप्रीम कोर्ट की आ गए, अब आप टीवी चैनल पर, अब आ गए आप पूर्णिमा मिश्रा पर, पहले आप राकेश शुक्ला तक थे, हद है सर आप लोगों की। चारू प्रज्ञा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता, क्या गलत बोलेगा, चारू आपकी आवाज पहुंच रही है मेरी, कंफर्म करिएगा। नमस्कार चारू, एक स्टेट से खुशी की खबर मुझ तक आ रही है, पर साथ ही साथ किसी के चिल्लाने की भी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, और पूर्णिमा जी मेरे सामने टीवी स्क्रीन नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जब आप मुझे बोलने का समय दें तो किसी और को बीच में बोलने ना दें। मैं कोशिश करूंगी चारू। चारू एक स्टेट से खुशी की खबर आ रही है बीजेपी के लिए, हरियाणा से एकदम गेम पूरा पलट चुका है और 50 पर इस वक्त आप लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस बढ़त पर है, बीजेपी ठीक ठाक स्टेट में है, मैं ये कहना चाहूंगी वहां पर। तो क्या हुआ हरियाणा में जो शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, और क्या रह गया जम्मू कश्मीर में जब विकास की बात करने, वहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने, लोकतंत्र को मजबूत करने जैसे नैरेटिव बीजेपी को मजबूत वहां नहीं कर पाए? नहीं, बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत मजबूत है पूर्णिमा जी, मैं आपको बताती हूँ कैसे। आप थोड़े समय पहले ये सोच सकती थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट, जीतना तो छोड़ो लीड भी कर रहा होगा वैली के किसी भी सीट पर, और आज लाल चौक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लीड कर रही है, थोड़े समय में उसकी भी जीत की आपको खबर आ जाएगी, ये हम पहले सोच भी नहीं सकते थे। आज जब तिरंगे को सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीर के कोने कोने में, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारत सरकार की जीत है, सारे भारतीयों के सपने की जीत है। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद ये पहला चुनाव है जो जम्मू और कश्मीर में हुआ, और वहां की जनता ने ये दिखा दिया कि इंटीग्रेशन से वो खुश हैं। और अगर अब हम हरियाणा की बात करते हैं, आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रही हैं, मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब जगह प्रो इनकम्बेंसी की वेव चलाई है। आप चाहे मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, या अब आप हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, या इवन उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, काम करने
करने के बाद, जनता के लिए समर्पित रहने के बाद, जब आपको जिताकर फिर से सत्ता में लाया जाता है, ये जनता का आशीर्वाद है और ये आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। आप जो काम कर रहे थे, आप जो प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, उस सबका सहयोग जनता करना चाहती है क्योंकि सबको बेहतर जिंदगी चाहिए। तो अभी भी वेट एंड वॉच चल रहा है, मैं फाइनल आंकड़ों का इंतजार कर रही हूँ जैसे आप कर रही हैं। लेकिन इससे दो चीजें मैं जल्दी जल्दी और बोलना चाहूंगी। पहली बात, जो बार बार एक नैरेटिव फ्लोट किया जाता है कि जाट नाराज है, ये सारा फॉल्स है। चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए या हरियाणा में देख लीजिए, फार्मर्स एजिटेशन के बाद के चुनाव के नतीजों को देख लीजिए, हर जगह बीजेपी ने अच्छा ही प्रदर्शन किया है। तो इसका मतलब यह है कि विपक्ष जो भी ये शगुफे से छोड़ता रहता है, ये सारे झूठ है। दूसरी बात, जातियों के नाम पर जो हमारे देश का विभाजन करना चाहते हैं राजनीतिक पार्टी, जैसे राहुल जी बार बार कहते हैं जातीय जनगणना करनी चाहिए, ये उनको भी जवाब है। क्योंकि अगर आप ओबीसी बेल्ट की बात करें, आप जाट बेल्ट की बात करें, हर जगह बीजेपी जीत कर आ रही है हरियाणा में। लेकिन एक ये जो गणित निकल कर सामने आ रहा है कि जो कांग्रेस है उसको, कांग्रेस के वोट ज्यादा है, सीटें कम है, ये मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ कि ये कैसे हो रहा है कि वोट उनके ज्यादा है लेकिन सीटें उनकी कम हो रही हैं। देखिए, वोट तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को डलते हैं और सीट उसको जाती है जिसके सबसे ज़्यादा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट हो। ये ब्रेकअप अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में देख नहीं पाई हूँ, हम इसको जरूर देखेंगे। लेकिन अगर हम केवल वोट शेयर की बात, दो सेकंड के लिए आपको रोकूंगी, पवन खेड़ा जी की प्रतिक्रिया रही। चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या पांचवें छठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4,437 वोटों से आगे हैं, अब 5,200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। सर, किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी छठे या सातवें राउंड पर ही रुके हुए हैं, चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं चुनाव आयोग के, उस पर रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्ट। तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, मनीष जी जरा ये बताइएगा, पवन खेड़ा साहब जो कह रहे थे फिर तो ये वही वाली बात हो गई जो मुझे याद है, चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा चुनावों की कर रहा था तो कुछ शायरी पढ़ी गई थी, मतलब अभी ईवीएम बचते बचाते चुनाव आयोग तो घेरे में है। नहीं देखिए, अभी पवन खेड़ा जी ने जो बात की वो पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की। संभव है कि वहां पे जो अनाउंसमेंट चल रही है, देखिए मैं काउंटिंग का हिस्सा रहा हूँ, वो जो ग्राउंड पे होता है वहां से ऑथेंटिक डेटा निकल के चुनाव आयोग की वेबसाइट पे अपडेट होना, इसमें एक घंटे का गैप रहता है। तो पर्टिकुलर सीट के बारे में पवन जी ठीक कह रहे होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि स्थितियां पलट चुकी है और स्थिति अब जो है उनको भी दिख रही है, उनके चेहरे की जो रौनक है वो गायब है, उसको एक्सेप्ट करना होगा। सबसे मैं अभी जस्ट एक अपडेट देख रही हूँ, विनेश फोगाट जो है वो मात्र 38 वोटों से आगे, ये मैं अभी का एक अपडेट देख रही हूँ। लाइव है ये, होने वाली है क्योंकि 7 राउंड की गिनती, 8 राउंड के बाकी, 38 वोटों से अभी विनेश फोगाट 38 वोटों से सिर्फ आगे चल रही है। जॉनी लटवाल साहब, आपके पास मैं बहुत देर से नहीं आ पाई हूँ सर, माफी चाहूंगी, बहुत ज्यादा माफी चाहूंगी क्योंकि मैंने आपको लंबा इंतजार करवाया, लेकिन इंतजार वो शून्य भी इस वक्त करा रहा है आपको जो ऊपर टैली पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब क्योंकि 12 बजने वाले हैं लटवाल साहब, अब 12 बजने तक क्या उम्मीद है जेजेपी को हरियाणा से? पूर्णिमा जी, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो शुरुआती रुझान ही कहूंगा मैं, रिजल्ट आना अभी बाकी है, आप देखना निश्चित रूप से जननायक जनता पार्टी 2019 का रिजल्ट रिपीट करते हुए निश्चित रूप से हरियाणा पिक्चर अभी आना बाकी है, आप कह रहे हैं अभी जहां पिक्चर अभी बाकी है, आप कह रहे हैं लटवाल साहब वहां बाद में कटसी में सिर्फ नाम आते हैं, जब लास्ट में कटसी चलती है तो उसमें गेस्ट अपियरेंस के लिए थैंक यू लिखा जाता है, जो आप जिस पिक्चर की अभी बात कर रहे हैं। सुनिए पूर्णिमा जी, आप पहले तो हमें मौका ही नहीं देते बोलने का, और जब देते हो तो हमारी सर जनता मौका नहीं दे रही, सर ये लोकतंत्र, जनता मौका नहीं दे रही, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा के क्या कीजिएगा, मानता हूँ जनता मौका नहीं, हमारी
हमारे को भी अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल रखिए साहब, इसीलिए आप सुबह से मेरे साथ हैं, लेकिन क्योंकि आपने कहा इसलिए मैं कह रही। पूर्णिमा जी बोलिए। पूर्णिमा जी आज मैं बड़ा आश्चर्यचकित और हैरान हूँ, हरियाणा की राजनीति को मुद्दों से भटकाकर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी तो निरंतर धर्म मजहब जाति पाति के भेदभाव को लेकर आज जनता के बीच में ले जाने, जनता के बीच में जाकर वोटों को हत्याने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी कहीं अक्षेत्रवाद का, कहीं भेदभाव का। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, राहुल गांधी जो हरियाणा दूध दही का खाना, दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा, उस हरियाणा में आप जलेबी दिखाकर वोटों को हत्याने का काम करते हैं। निश्चित रूप से हरियाणा की जनता बड़ी समझदार है, जागरूक जनता है। देखना आप जब रिजल्ट आएगा, निश्चित रूप से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को मैंडेट। एक सवाल बस चारू आपसे मैं जल्दी से लेना चाहती हूँ, अगर आप मेरे साथ है। चारू, मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या जम्मू कश्मीर में क्या आपको लगता है कि आप सरकार बनाने की कवायद में खड़े होंगे? मेरा बहुत स्ट्रेट सवाल है आपसे, जबकि वहां पर अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसके साथ गठबंधन में कांग्रेस जो बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए हो भी सकता है, जैसे मैंने कहा अभी तो गिनती जारी है, लेकिन हम अपनी जीत इसी बात में मानते हैं कि आज कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेंस है, तिरंगे की एक्सेप्टेंस है, वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सरकार हमने जम्मू एंड कश्मीर में पहले भी बनाई थी, हमने बनाकर देखी थी। आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अभी पूरे के पूरे नतीजे खुले नहीं हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी हैं। मैं तो आखिरी दम तक उम्मीद छोड़ती नहीं हूँ, बाकी आगे आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इस पर देखिए चर्चा, क्योंकि अभी भी रुझान आ रहे हैं और नतीजों का, जैसे जैसे नतीजों में तब्दील होंगे उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन आप सभी जुड़े हुए, एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए हरियाणा में बीजेपी को रुझानों में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी